आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मकान। मकान को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस, हाउस। नेक्स्ट वर्ड है झोपड़ी। झोपड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉटेज, कॉटेज। नेक्स्ट है छप्पर। छप्पर को हम इंग्लिश में बोलेंगे शेड, शेड। नेक्स्ट है अनाथालय। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्फनेज, ऑर्फनेज। नेक्स्ट है अटारी। अटारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे एटिक, एटिक। नेक्स्ट वर्ड है आंगन। आंगन को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड। नेक्स्ट वर्ड है जंगला। जंगला को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलस्ट्रेड, बैलस्ट्रेड। नेक्स्ट वर्ड है अंगीठी। अंगीठी को हम इंग्लिश में बोलेंगे फायरप्लेस, फायरप्लेस। नेक्स्ट वर्ड है चौखट। चौखट को इंग्लिश में बोलेंगे डोर फ्रेम, डोर फ्रेम, या फिर डोरकेस, डोरकेस। नेक्स्ट वर्ड है दहलीज या दहरी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है ईंट। ईंट को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिक। नेक्स्ट वर्ड है पिछवाड़ा, घर के पीछे का हिस्सा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बैकयार्ड, बैकयार्ड। नेक्स्ट वर्ड है घर के आगे का हिस्सा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रंट यार्ड, फ्रंट यार्ड। नेक्स्ट वर्ड है बगीचा। बगीचे को इंग्लिश में बोलेंगे गार्डन, गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है कमरा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रूम, रूम। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा कमरा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हॉल, हॉल। नेक्स्ट वर्ड है बैठक रूम। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग रूम, लिविंग रूम, या फिर सिटिंग रूम, सिटिंग रूम। इसे हम इंग्लिश में ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तहखाना। ये अंडरग्राउंड रूम होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेलर, सेलर। नेक्स्ट वर्ड है रसोई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे किचन, किचन। नेक्स्ट वर्ड है भोजन कक्ष। जिस कक्ष में हम भोजन करते हैं उसे इंग्लिश में बोलेंगे डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट वर्ड है शयन कक्ष। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेडरूम, बेडरूम। नेक्स्ट वर्ड है भंडार कक्ष। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टोर रूम, स्टोर रूम। नेक्स्ट वर्ड है अध्ययन कक्ष। जिस कक्ष में हम अध्ययन करते हैं उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी रूम, स्टडी रूम। नेक्स्ट वर्ड है बाहरी छत। जिसमें बाउंड्री नहीं होती उसको इंग्लिश में बोलेंगे रूफ, रूफ। और नेक्स्ट वर्ड है छत। जिसमें बाउंड्री होती है इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेरेस, टेरेस। नेक्स्ट वर्ड है भीतरी छत। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीलिंग, सीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्नान गृह। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाथरूम, बाथरूम। नेक्स्ट वर्ड है बरामदा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पोर्च, पोर्च। नेक्स्ट वर्ड है गलियारा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉरिडोर, कॉरिडोर। नेक्स्ट वर्ड है छज्जा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बालकनी, बालकनी। नेक्स्ट वर्ड है रोशनदान। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्काईलाइट, स्काईलाइट, या फिर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। नेक्स्ट वर्ड है धुआंकश। इसे इंग्लिश में बोलेंगे चिमनी, चिमनी। नेक्स्ट वर्ड है जीना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेयर, स्टेयर। नेक्स्ट वर्ड है रेलिंग वाला जीना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेयरकेस, स्टेयरकेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।